अनंत कालापयम तथागतम अनुतरम वंदामि शिष्या बुद्धं धम्मं साधुगणं च। परम सखे पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर स्वरूप आनंद देव जी, मंच पर आसीन प्रोफेसर प्रद्युम्न दुबे जी, प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद दीक्षित, प्रोफेसर ब्रजेश प्रसाद जी, पूज्य रविश चंद्र नेगी जी, डॉक्टर चंदीमा जी, डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव जी और इस सभा में उपस्थित हमारे बच्चों महासंघ जी, डॉक्टर सर रामनिष्ठा प्रसाद जी, डॉक्टर के वी वर्मा जी, विश्व ज्ञान लोक थेरो जी और सभा में उपस्थित हमारे बालिका महाभूमि बालिका विद्यालय के प्राचार्य श्री नदी अर्चना अवस्थी जी, ब्रज विद्या संस्थान से पधारे हुए हमारे भिक्षुगण और सभा में उपस्थित हमारे महाभूमि इंटर कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव जी और जितने भी आचार्य हमारे अध्यापकगण थे, बंधु छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज 14वीं पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के अवसर पर यहाँ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और मुझे भी कुछ दो मिनट बोलने का समय दिया गया है। खासकर इस महापुरुष महाविभूति के ऊपर बोलने का अवसर मुझे मिला है, उनकी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। उन्होंने जितने कम उम्र में पाली साहित्य और अनुवाद बौद्ध धर्म और दर्शन के ऊपर उनका उनकी जो रचनाएं हैं उनका यदि आकलन किया जाए तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज इसी गंभीर विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा उनके बौद्ध धर्म दर्शन या पाली साहित्य या व्याकरण के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहना चाह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर विश्व धर्म रक्षक एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अभिधर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान किया है। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी विशुद्धि मत के बारे में शुरुआत किए थे, उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि वह केवल अनुवाद नहीं है, पूरा अभिधर्म दर्शन का निचोड़ है जो पाली अभिधर्म के तक और कथाओं के ऊपर जो व्याख्याएं की गई हैं वह यदि अंग्रेजी में उपलब्ध रहती तो यह बहुत ही मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में सामने ले आती। मत के ऊपर अनुवाद करना ये केवल डॉक्टर विश्व धर्म रक्षक के ही बस में था, कोई और पाली अध्यापक के अभी तक इस पर कलम नहीं और अपनी लेखनी नहीं चला पाया है। बहुत सारे हमारे पाली के विद्वान हुए विगत में भी और बाद में भी, लेकिन विशुद्धि मत के ऊपर अध्ययन कर उसके अनुवाद को करना और साथ ही साथ यह विशुद्धि मत केवल अनुवाद नहीं है, यह जितनी बार की पलियों में उनकी व्याख्याएं की गई है उनकी शब्दार्थों को समझाने का प्रयास किया गया है वो उनकी विद्वता को दर्शाता है। विश्व धर्म रक्षित केवल व्याकरण साहित्य या दर्शन के ही ज्ञाता नहीं थे, वे अभिधर्म के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे।
मैं कुछ स्थलों पर उनकी बातों को आपको सामने में रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से अभिधर्म ग्रंथों के ऊपर और उनकी कथाओं के ऊपर और खासकर आप कथाओं में और भी बाद में जो हमारे मैनुअल्स लिखे गए हैं जो सिंधी कथाओं में उपलब्ध है उनका भी अध्ययन कर उसमें व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। विशुद्ध मत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथों का निरूपण भी हुआ है जिसमें हम लोग जानते हैं कि विशुद्धि मत के ऊपर आचार्य धर्मपाल पर्वत बंजुसा जिसको विशुद्धि मत महाटीका के भी नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आचार्य धर्मानंद गोस्वामी के द्वारा विशुद्धि मत दीपिका भी लिखी गई और उसके पूर्व में बर्मा में विशुद्धि मत के ऊपर विशुद्धि मत ग्रंथि भी लिखी गई। विशुद्धि मत की ग्रंथि में विशुद्धि मत में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों को समझाने का प्रयास किया गया है और आचार्य धर्मानंद गोस्वामी ने उस ग्रंथि के आधार पर विशुद्धि मत दीपिका जितने भी विशुद्धि मत में हमारे द्रोह शब्द थे उनका शब्दार्थ और व्याख्या आचार्य धर्मानंद गोस्वामी जी ने विशुद्धि मत दीपिका में करते हैं और यह पुस्तक जो 1942 में महाबोधि सोसाइटी सारनाथ से छपी है। उसी समय विश्व धर्म रक्षक यहाँ पर आते हैं और श्रीलंका जाते हैं माथेरान में कैलेडिया यूनिवर्सिटी में उनका अध्ययन होता है और वहीं पर विशुद्धि मत का अनुवाद करते हैं। यह अनुवाद 1947 में ही पूरा हो गया था लेकिन उस अनुवाद को छपने में 7 साल और लग गया। 1956 में यह अनुवाद छपकर आ रही है और इस विशुद्धि मत का अनुवाद करते वक्त आचार्य धर्मानंद के विशुद्धि मत दीपिका पाली विशुद्धि मत पर सिंधली अठकथाएं भी उपलब्ध है जिसको सिंधली निश्चय के नाम से जाना जाता है और विशुद्धि मत निश्चय लेकिन यह सारे अध्यायों का नहीं है केवल 17 अध्यायों तक सिंधली निश्चय के रूप में विशुद्धि मत के ऊपर मिलता है। बर्मा में विशुद्धि मत के सारे अध्यायों के ऊपर एक विशुद्धि मत निश्चय का वर्णन मिलता है। स्यामीज में भी श्याम देश में भी विशुद्धि मत के ऊपर निश्चय ग्रंथ मिल रहे हैं। इन सब का अध्ययन करते हुए आचार्य विश्व धर्म रक्षित विशुद्धि मत के अनुवाद में उसका सहारा लेते हैं। साथ में उसी समय 1911 में बंगला में भी विशुद्धि मत का अनुवाद हो चुका है और उस विशुद्धि मत बंगला अनुवाद का भी अध्ययन कर रहे हैं हमारे विश्व धर्म रक्षित और उसका भी यंत्र तंत्र सहायता लेते हुए उन्होंने संदर्भ दिया है। खासकर संदर्भ देते हुए विशेषकर विशुद्धि मत दीपिका आचार्य धर्मानंद गोस्वामी के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसका ज्यादा सहारा लेते हुए उन्होंने व्याख्या किया है लेकिन कहीं कहीं पर आचार्य धर्मानंद गोस्वामी से वो सहमत नहीं होते और सहमत नहीं होते हुए भी उसका आलोचना भी करते हैं और अपनी व्याख्या भी देते हैं। वो अपने प्रार्थन में लिखते भी हैं कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि आचार्य धर्मानंद गोस्वामी को उनकी गलतियों को मैं बतलाऊं और उनसे बतलाऊं कि आपसे कहां कहां पर गलती हो चुकी है लेकिन वो समय उनको मिल नहीं पाया। इनका उनको बहुत बड़ा दुख था और एक बात की और भी चर्चा करते हैं कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि विशुद्धि मत के दो शब्द आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा लिखे जाए लेकिन आचार्य नरेंद्र देव उस समय अस्वस्थ हो गए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में वो पदस्थापित भी थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब तक किताब ये सब कर आएगी तब तक मैं इसका प्रार्थन लिख दूंगा लेकिन वो समय मिल नहीं पाया। 1956 में ये पहले ही उनका देहांत हो गया। एक उदाहरण देकर मैं समझाना का प्रयास करूंगा कि कहां पर आचार्य धर्मानंद गोस्वामी से हमारे डॉक्टर विश्व धर्म रक्षक
सहमत नहीं होते हैं और कहां पर अपनी व्याख्या देते हैं। जब संयुक्त निकाय के जटाशब्द जब वो वर्णन करते हैं कि अंतो जटा बहि जटाय जटाय जटा बजा तंतम दुकम पुष्वामी दो इमं भिजेते जटंती, यहां पर जटा का असाजबद घोष बतलाते हैं कि जटा की अधाय जागरणिया अधिवचनम। यहां पर जटा बतलाते हैं कि तृष्णाओं का एक जाल के रूप में अधिवचन या संजय के रूप में कहा जाता है। और उसके बाद फिर आचार्य बुद्ध घोष कहते हैं कि सारी लोक आदिशु आरम्भणेशु। अब यहाँ पर आरम्भणेशु का न विसर्जी मधु में कहीं पर वर्णन आया है न कहीं और दूसरे ग्रंथों में वर्णन आया है, लेकिन डॉक्टर रक्षु धन नक्षत्र यहाँ आलम्बन के बारे में जब नीचे में पाद टिप्पणी में वो लिखते हैं कि ये आलम्बन हमारे रूप शब्द गंध रस स्पर्शव्य और मायतन छह आलम्बन के रूप में यहाँ पर आ है। और फिर तीन धातुओं की त्रिधातु की बात करते हैं। त्रिधातु में काम धातु रूप धातु और रूप धातु इसका भी वो वर्णन करते हैं। और साथ में जब वो गौतम की बात आ रही है तो यहाँ पर विशुद्धि मध्य दीपिका में आचार्य धर्मानंद और सामी बताते हैं कि भगवान बुद्ध का एक नाम है कि देयर इज अ ट्रायंगल इनसाइड देयर इज अ ट्रायंगल आउटसाइड ओ गौतम आई आस्क यू अगेन एंड अगेन हु कैन दिस ट्रायंगल दिस ट्रायंगल। अंदर जटा है बाहर जटा है ओ गौतम मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि कौन यह जटा को दूर कर सकता है। यहां पर गौतम के बारे में हमारे धर्मानंद गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बुद्ध का एक नाम है गौतम, लेकिन इस बात से हमारे भिक्षु धर्म क्षेत्र स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि भगवान का यहाँ पर नाम गौतम के रूप में नहीं है और यह एक तरह से गोत्र के रूप में गोत्रेन बुद्धो आलपति कि यहाँ पर जो गोत्र का नाम है वह गौतम के रूप में है। और इसके उदाहरण के रूप में वह बताते हैं कि किस प्रकार से आनंद अस्थविर को भी गौतम के रूप में संयुक्त निकाय में बतलाया गया है। उसका उदाहरण आदि टिप्पणी में देकर बताते हैं कि यहाँ पर धर्मानंद गोस्वामी जो गौतम भगवान बुद्ध का नाम दे रहे हैं वो गलत है। दूसरी जो गाथा है यहाँ पर सिले पति खाए गरो सो पयम चित्तम पयम च भावयम आतापि लिपिको भिक्खु सो इमं विजिगीय जटंती। सिले पति खाए सिले में प्रतिष्ठित होकर एक प्राणी एक नर चित्तम पयम च भावयम सब पयों यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सब पयों के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि चम्मच की हेतु पठसंधि। यहाँ पर आचार्य हमारे धर्मानंद गोस्वामी बता रहे हैं कि यहाँ पर सब पयों का अर्थ है कर्म से उत्पन्न की हेतु पठसंधि। अब यह क्लियर नहीं हो रहा है ना धर्मानंद गोस्वामी इसको क्लियर कर रहे हैं ना और इसलिए हमारे विद्वान बतलाते हैं कि यहाँ पर कम्बज शब्द क्या है कर्म से उत्पन्न। अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि कम्बज ती हेतु के छह प्रकार के हेतु बतलाते हैं कि छह प्रकार के हेतु है लोभ दोष मोह अलोभ अदोष अमोह। तो यहाँ पर कहते हैं कि त्रि हेतु के यानी अलोभ अदोष अमोह इन हेतुओं से संप्रयुक्त जो हमारे चित्त है और जो प्रतिसंधि जो विज्ञान के रूप में जो प्रतिसंधि ले रहा है वह यहाँ पर उस समय जो प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है उसे हम भी सब पहियों के रूप में प्रज्ञावान के रूप में मार्ग बतलाते हैं। यही पर यह बात भिक्षु धर्म रक्षित खत्म नहीं कर रहे हैं वह बतलाते हैं कि कितने प्रकार के वह चित्त है जिसे अभिधर्म के ज्ञान का पता चलता है कि कितने प्रकार के वो चित्त है। तो कामावचर है ज्ञान संपयुक्त यानी ज्ञान से संपर्क जो चार हमारे चित्त है कुशल जो चार आठ प्रकार के महाविपाक चित्त कहे जाते हैं उसमें चार जो हमारे जो है ज्ञान के संपर्क है सोमनस सागरम ज्ञान संपयुक्तम असंसारिकम ससंसारिकम सोमनस सागरम ज्ञान विपयुक्तम असंसारिकम च ससंसारिकम। ये चार प्रकार के जो अलोभ अदोष अमोह कम्मज की हेतु पटसंधि। अब इसकी
चार जो त्रिशूल धर्म दक्ष थे उसकी वर्णन करते हैं कि ये चार अमावस्या में हमारे ज्ञान से संपर्क रूपावचर में पांच जो हमारे कुशल चित्त है और अरूपावचर में चार यानी टोटल 13 प्रकार से जो चित्त है उसे हम कम्मज ती हेतु का पट संधि और इस चित्तों 13 प्रकार के चित्तों के साथ जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसे हम सब संयोग करते हैं। इतना बड़ा विस्तृत जानकारी किसी और दूसरे ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। फिर आगे भी बताते हैं कि श्रीपति खाय नरस पय्यम चित्तम पय्यम चौधारी यहाँ पर चित्त और पय्या चित्तम की समाधि कर दी आचार्य बुद्ध घोष और हमारे आचार्य धर्मानंद गोस्वामी। लेकिन यहाँ पर हमारे भिक्षु धर्म रक्षित जब पाद टिप्पणी में उसकी चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि यह चित्त जो है रूप समाधि और रूप समाधि जो पांच हमारे निर्वरण समाप्त होते हैं जो पांच प्रकार के हमारे ध्यान के अंग हैं उनके द्वारा ये उत्पन्न ये जो रूप समाधि हमारे पांच प्रकार के है और चार प्रकार के अरूप समाधि इन्हीं को हम चित्तम कहते हैं। और फिर पय्या की बात आ रही है तो पय्या यहाँ पर तीन प्रकार के बता रहे हैं कि यहाँ पर पारिवारिक पय्या यहाँ पर कम्बज की हेतु परिसंधि के रूप में वो कहते हैं कि यह जाति पय्या है यह जन्म से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह कभी बदल नहीं सकती है। हमारे द्वारा जो कुशल और कुशल कर्म किए जाते हैं उस कर्म के द्वारा जो विपाक से उत्पन्न जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह कम्बज की हेतु परिसंधि के रूप में जाना जाता है और इसको जाति प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। दूसरा जो बतला है विपस्सना पय्या, यहाँ पर विपस्सना पय्या यहाँ पर बतला रहे हैं कि ये चित्तम पय्यम च अभावेन है और एक तीसरे प्रज्ञा की बात कर रहे हैं पारिहारिक पय्या। यहाँ पर पारिहारिक प्रज्ञा क्या है इसको किसी ने आचार्य धर्मानंद गोस्वामी की और आचार्य मधु घोष की इस पर विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं लेकिन आचार्य हमारे भिक्षु धर्म रक्षित जब इसका पादटिप्पणी में वर्णन करते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर कर्मस्थान जो 40 प्रकार के हमारे कर्मस्थान है उन 40 प्रकार के कर्मस्थानों पर जो समाधि उत्पन्न करने के बाद जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उससे हम कहते हैं यहाँ पर प्रज्ञा और पारिहारिक प्रज्ञा। पारिहारिक प्रज्ञा है वो है जो कर्मस्थानों को परिपूर्ण करने के बाद जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसे पारिहारिक प्रज्ञा कहते हैं। इतना विस्तृत जानकारी किसी अभिधर्म की व्याख्या के द्वारा ही हो सकता है। फिर आगे भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से 17वें अध्याय में जब प्रतीत समुत्पाद की बात करते हैं तो प्रतीत समुत्पाद का प्रतीत किस प्रकार से बना है पटि परस अय, यहाँ पर पटि जो है अभिमुख के रूप में है, अय यहाँ पर जो है गम्य के अर्थ में है और उस सारा व्याकरण के उदाहरण देते हुए उस समझाने का प्रयास करते हैं। और प्रतीत समुत्पाद क्या है उसके द्वादश निदानों की अभिज्ञा परिचय से लेकर और जरा मरण तक एक एक शब्द का अभिधर्म के ग्रंथों में सातों जो हमारे अभिधर्म के ग्रंथ हैं उनकी अटकथाओं है उस पर आधारित कर उसको पाद टिप्पणी में समझाने का प्रयास करना है। जैसे अविद्या के बारे में जब वो बताते हैं कि अविद्या क्या है तो यहाँ पर केवल चार आसक्तियों का ज्ञान नहीं होना, प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान नहीं होना, इधर प्रत्यय का ज्ञान नहीं होना, पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होना और बाद के जन्म का ज्ञान नहीं होना यही अविद्या नहीं है। उसके बारे में विस्तृत बताते हैं कि अविद्या में कौन से हेतु जो है जो कार्य कर रहे हैं और कौन से हेतु में कार्य करने के बाद यह मतलब जो है उत्पन्न हो रहा है और जो संस्कार हमारे उत्पन्न हो रहे हैं संस्कार के बारे में वो बताते हैं कि तीन प्रकार के संस्कार जो है अविद्या पर आधारित होकर उत्पन्न हो रहे हैं और इसको पाद टिप्पणी में वो समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई अभी संस्कार जो है हमारे 13 प्रकार के हैं, 8 कामावचर कुशल महाविपाक और 5 प्रकार के रूपावचर कुशल विपाक और कोई अभी संस्कार जिसको हम लोग कहते हैं कामावचर अकुशल चित्त जो 12 प्रकार के उन कुशल चित्तों अकुशल चित्तों के ऊपर जो विपाक उत्पन्न हो रहा है वह कुशल है। और फिर अनित्य अभिसंखार इसके बारे में पाद टिप्पणी में कहते हैं कि वह एक तरह से अरूपावचर का जो चार हमारा जो एक तरह से चित्त है वह अनित्य अभिसंखार है। तो इतनी विस्तृत जानकारी
केवल अभिधर्म का कोई ज्ञाता ही बता सकता है, और पाद्य टिप्पणी में जितना उन्होंने व्याख्या किया है वहां किसी और दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलता है। यह मतलब विशुद्धि मत के जो जानने वाले हैं और अभिधर्म को जो जानने वाले हैं, जब इस ग्रंथ का सही में अवलोकन करें, अवगाहन करें, तो उनके अभिधर्म के कितने बड़े विद्वान गंभीर नेता थे यह कोई जान सकता है। विशुद्धि मत तो बहुत ही दुरूह विषय है, इस पर सभी लेखनी नहीं चला सकते हैं। हमारे डॉक्टर भिक्षु धर्मरचित आचार्य भिक्षु धर्मरचित जैसा ही कोई विद्वान इस पर लेखनी चला सकता है, और इस लेखनी पर चलाते हुए और इस समय में इतनी कम आयु में जितनी रचनाओं का उन्होंने निरूपण किया और जितने ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया, वो आज तक के किसी भी पाली विद्वान के द्वारा यदि हम करें तो नहीं पाएंगे कि इतने ग्रंथों का कैसे उन्होंने संपादन किया, कैसे उन्होंने उसका अनुवाद किया। यह बड़े ही गंभीर विषय है, इस पर मतलब जो है अवलोकन करने की जरूरत है। आज उनके जन्म का दिन है, उनके कृतियों को अवगाहन करने का दिन है। इस प्रकार से हम उनको स्मरण करें, उनके कृतित्व को, उनके अवगाहनों को स्मरण कर इस प्रकार से हम अपने अंदर नव रक्त संचार उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से उत्साह और नई ऊर्जा के साथ उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, यही सोचने का विषय है। और आज के दिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि हमारे भिक्षु धर्मरचित उस समय पाली के आधुनिक युग स्रष्टा के रूप में कहा जा सकता है कि वह एक जो एक नई दिशा उन्होंने दी। बहुत कम उम्र में वो चले गए, 53 वर्ष की आयु में ही जितना उन्होंने काम किया है वह किसी अन्य के वश में नहीं है। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के आयोजकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।